होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा पुलिस अपराधों पर अंकुश लगा पाए या नहीं पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को धमकाने में बहुत ही सक्रिय है। ये हम नहीं है कह रहे, ये कहना है नगर पालिका कर्मचारियों का। बीती रात गणेश विसर्जन में ड्यूटी कर लौट रहे कर्मचारी के साथ सिवनी मालवा थाने में पदस्थ एक पुलिस कर्मी के द्वारा उसे रोक उसके साथ मारपीट की गयी, साथ में गाली गलौज भी की गयी, जिससे सभी कर्मचारियों में आक्रोश है और सभी कर्मचारी सोमवार सुबह से ही काम बंद कर धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व में भी नगर पालिका कर्मचारियों के साथ पुलिस कर्मियों के द्वारा ड्यूटी के दौरान कई बार मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सभी कर्मचारी नाराज हैं और उनका कहना है कि बच्चे के पैदा होने से लेकर मरने तक लाश को उठाने का काम नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। हम ना समय देखते हैं ना दिन, परंतु उसके बाद भी आए दिन पुलिस कर्मी के द्वारा कर्मचारियों के साथ अपराधियों सा व्यवहार किया जाता है, जिसको लेकर अब सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं और कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सिवनी मालवा नगर पालिका CMO राकेश मिश्रा का कहना है कि हमारे द्वारा मध्य प्रदेश की सभी नगर पालिका में बात की जा रही है, जब तक उक्त पुलिस कर्मी को सस्पेंड कर उस पर मामला दर्ज नहीं किया जाता है तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। भैया तीसरी चौथी घटना है, पुलिस प्रशासन नगर पालिका कर्मचारी रोक के मार दिया था, ऐसा क्यों करती नगर पालिका साहब? क्या हम लोग कर्मचारी नहीं है? आप लोगों के आदेश पे हम रात काम कर रहे हैं, उसके बाद पिटे और आप लोग हमको समझा रहे कि नहीं भेजा, आप अपना काम करो, ऐसा नहीं होता, कार्रवाई करो पहले नहीं करना था।
हमारे तो प्रांत अध्यक्ष ये बैठे ना, हम तो आल एमपी में हड़ताल की कार्रवाई कर रहे हैं सर। आप प्रांत अध्यक्ष बैठे हैं, सभी कर्मचारी सबसे बात कर ली है, तैयार हो रहे हैं। हो गया सर, हरदा वाले भी तैयार हो गए कि मंडी ले जाए। मैडम बहुत घटना हो गई, एक तो हम तो कुछ भी नहीं बोलते, बिल्कुल नगर पालिका कर्मचारी तो पशु मैडम बात करेंगे 2 बजे आपसे, जब चाहे ले लो, कर लेते थे। प्रभारी मंत्री जी आप लोगों से बात करेंगे ना, करवा अपन तो वहीं चल रहे हैं, भोपाल ही चलेंगे सर, आप वर्मा जी को लेके चलेंगे, प्रेम शंकर जी को, और सांसद जी जा रहे हैं, सांसद जी को बुला रहे हैं, पप्पू भैया को बुलवा लेते हैं। आदमी जन्म से लेकर मान्यता से नगर पालिका कर्मचारी काम करेगी, 5:30 बजे बाद ही जाएगी, 5:30 बजे बाद आपको काम करवाना, एक एक सबसे कर्मचारी दो कर्मचारियों को तो जाएगा। अरे मैं नगर पालिका कर्मचारी वहाँ, आप वहाँ काम करने आता, क्यों भेजते साहब आप लोग, उसको बंद करवाना, हमारे सफाई कर्मचारी में जाता काम नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, भी डेड बॉडी मिले, पुलिस कर्मचारी काम करने आता, पोस्टमार्टम पुलिस करवा, अस्पताल करवाना, नगर पालिका क्यों करवाते हैं लोग, अस्पताल वाले देखकर बहाने बना के दे रहा है, कर्मचारियों को लगा रहा, वो कौन होता बीओ में लगाने वाला, फोन लगा देता वहाँ से नगर वाले कर्मचारी, वो चले जाते हैं, सर इंजीनियर को भी लगा देते हैं, मेरी भी ड्यूटी लगा रहा हूँ, तो कौन होता वो बीओ में, एसडीएम साहब लगाया तो प्रशासक हमारे एसडीएम में होते, वो लगा हम बीओ में जी 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 पुलिस प्रशासन अभी तो ये अंगड़ाई है, हम सब एक है, सब बैठो, कोई भरोसा नहीं, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद महाराष्ट्र माता की जय, वंदे मातरम। मैडम जी लावा भरा हुआ था इतने दिन से, मतलब 5-6 महीने साल भर से, आज फूट गया वो लावा, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, आज फूटा वो लावा, हम आपसे कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, कोविड में तो रेगुलर कर्मचारी तो भगवान आते थे, तो हम लोगों को बिल लगे हम लोगों को सर। निवेदन 5:30 से 5:30 ही हो गए, नगर पालिका कोई काम नहीं करेंगे हम, किसी भी विभाग का साफ के दे रहा है, चुप्पी बना, हमारे ही बाल रखते हैं, हमको ही बच्चे पाल रहे थे, उनकी भी कुछ इच्छा रहती है, आज 3 महीने हो गए हम हमारे परिवार वालों से भी बैठ के बात करते हैं, बच्चे उनके बोले बाबा तुम ही हो गए क्या ड्यूटी करने वाले, हड़ताल पे देते हड़ताल पे आता हूँ। क्या नाम है आपका? संतोष बाथव और बबलू। क्या हो गया था सर? रात को मैं घाट से लड़के को छोड़ने गया था, मैं दुबे बाबा, तो रास्ते में रोक के पुलिस वाले ने जबरदस्ती मार दिया, पहले गाली गप्पा दी फिर मारा, मैंने मेरे बताने पर आइडेंटिटी बताने का मौका नहीं दिया, कोई मीना जी करके हैं उन्हें मारा है, कृपाराम मीना करके, किस बात को लेकर? कोई बात ना, कोई चीज़ नहीं, कल रोक के गाली दी और मारा पीट चालू कर दी, चलो लड़के को छोड़ने का, फिर दोबारा फिर 30 दिन तक पीछा करा, भाई गाली गप्पा दी उन्हें, मैंने बोला कर्मचारी वही नगर पालिका, उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया ना आइडेंटिटी निकालने मौका दिया, झापड़ा हाथ से ही था, ये आइडेंटिटी निकालने मौका नहीं दिया मुझे। क्या बोल रहे थे?
कुछ बोलने मौका नहीं दिया, गाली गुप्ता देकर सीधे चालू शुरू हो गया मारा पीटी। कितने बजे की बात? पौने एक से सवा बजे के आसपास थे। नगर पालिका सबसे पहले तो मैं जो है कर्मचारी साथ जो मेरे साथ बैठे सबको धन्यवाद है, और कर्मचारियों के साथ जो आज जो घटना घटी हुई है रात में मेरे कर्मचारी के साथ वो बहुत ही निंदनीय है। आम नागरिक के साथ स्थिति क्या होगी अब ये सोचने वाली बात है। जब एक कर्मचारी अपना बतला रहा है कि मैं कर्मचारी काम से आ रहा हूँ, आइडेंटिटी कार्ड बतला रहा है, इसके बाद पुलिस प्रशासन नहीं मान रहा, तो आम नागरिक के साथ क्या घटना होगी? और नगर पालिका कर्मचारी जन्म से लेके मरने तक सभी काम करता है, आम नागरिक के जन्म से लेके मरने तक सभी काम करता है। नगर पालिका कर्मचारी कहीं किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटते। नगर पालिका कर्मचारी सवेरे से लेकर गई रात तक अपने काम पे डटे रहते हैं, इसके बावजूद पुलिस प्रशासन के द्वारा ये छठवीं घटना हमारे कर्मचारी के साथ की गई है, जो कि बड़ी सर्वनाश और निंदनीय है। हमारा कर्मचारी पोस्टमार्टम करता है, हमारा कर्मचारी मरा गड़ा आदमी उसकी डेड बॉडी उठाने जाता है, हमारा कर्मचारी थाने जाए है तो पुलिस का फोन आता है तो वहां भेजते हैं, तो पुलिस प्रशासन क्यों ऐसा काम कर रही है? अभी अधिकारी लोग आए हैं, क्या चर्चा हुई है और क्या मांग है आप? कार्रवाई हो आश्वासन दे रहा, पर हमारी लोगों की एक ही मांग है कि हमें लिखित में और पुलिस प्रशासन की पुख्ता कार्रवाई हो। पुख्ता से मतलब जो पुख्ता कार्रवाई हो सकती है, सस्पेंड करना, निलंबन करना, जो भी करना हो वो पुलिस प्रशासन का है, वो उसके बाद ही फिर हम हमारे कर्मचारी भाइयों के विचार विमर्श के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। नगर पालिका कर्मचारी के द्वारा एक आरोप लगाया गया है पुलिस कर्मी के प्रति मारपीट की गई है, पूरा मामला क्या कहेंगे आप? जी, आज सुबह ही CMO साहब का हमें पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि संतोष बाथव जो नगर पालिका कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि उनके साथ कल रात लगभग 1 बजे किसी पुलिस कर्मचारी ने मारपीट की है और गाली गलौज की है। तो अभी क्योंकि अभी आवेदन प्राप्त हुआ है तो मामले की जांच करके जिसकी भी गलती पाई जाती है उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।